अस्सलाम वालेकुम। एक मिनट रहिए, एक मिनट आंखें बंद करें। नहीं जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। हाँ, बात तो ठीक है। ये जो मैं तो सुबह से मेरा काम ही यही है कि मैं, क्या बात है क्या बात है, जो भी घर में है ये सैनिटाइजर यूज करे, उस डिटॉल का जो स्प्रे है पूरा स्प्रे यूज करना जरूरी है। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक है। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तीन दफा बनता है ये। और क्या क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। आप तो बड़े स्मार्ट होते जा रहे हैं भाई। बस मैंने जिस दिन आपका शो देखा ना, फिजा इतनी स्मार्ट है तो मुझे भी स्मार्ट होना चाहिए। मैंने फिजा को देख के अपने आप को स्मार्ट किया। मैं जब फिजा स्मार्ट हो सकती थी, दोबारा एक्टिंग भी कर रहे हैं, स्मार्ट भी हो गए हैं। इरादे ठीक है वैसे आपके? हाँ, है अंदर यहीं पे कहीं। आप कुछ लोग होते हैं जो ईद के दिन ना घर में फसाद खड़ा करते हैं, चाहते हैं कि ईद के दिन घर में लड़ाइयाँ हो। वो लोग नहीं, ये वो लोग हैं जो कि पुलिस होते हैं, जो आके जो है ना सीधा करते हैं। ये अच्छा तरीका है कि मतलब बता दे पहले से, एक आग लगा दे उसके बाद बहाना ये कहें हम सीधा कर रहे थे, हम बता रहे थे। रोजे कैसे गुजरे आपके? रोजे बहुत मजे के गुजरे हैं, बहुत अच्छे गुजरे। दो रोजे छूटे मेरे बीच में। अच्छा, मैं ईद की बात रखूं। चलिए, मैंने सोचा कि मैं और पूरा पाकिस्तान आज जो है वो यहाँ पर आप लोगों के साथ ईद मनाने आए, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में ही है ना, आप इतना ज्यादा जो है वो मिलना जुलना नहीं है, तो ऐसे हमने मिलना जुलना रखा। बेस्ट किया, बहुत अच्छा किया। थैंक यू, आपने हमें बुलाया और मुझे बाकी सब लोगों से भी आप मिलना। आ जाए ना, आ जाए, घर घर भी देखना है मैंने। ये अरे वाह, अरे वाह, ये हम, ये बालाज, हम दुबई में थे और बालाज बीमार थे। नहीं, बीमार नहीं था, इस बालाज ने बोलना सीखा था। हाँ। और बालाज बोलता था कि बाजा गुस्सा, बाजा गुस्सा, बाजा अपने बालाज को बाजा बोलता था। हाँ। तो उसने भी ये बोलना सीखा था, बाजा गुस्सा। क्या बात है, वैसे हर तस्वीर के साथ जो मेमोरीज होती है रिलेटेड है ना। मर्दों को वैसे याद रहती है कि उस तारीख पे इस तस्वीर में क्या हुआ था, क्या फ्रेम हुई, इसलिए याद है। आप गुजर रहे होते हैं, पता होता है यार इस टाइम पे ये हुआ था, तो सामने होती है। अब आप, मैं पूरा एल्बम खोल के बैठूं तो शायद कुछ चीजें याद ना हो, लेकिन जो सामने रोज देख रहा होता है, क्योंकि यूजुअली औरतें बता रही होती है ना, ये तस्वीर हमने वहाँ पे खींची थी, इसमें मेरा बच्चा इतना छोटा था, आज हम आते हैं यहाँ से भाई बताएंगे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बताऊंगा। ये तस्वीर दुबई की है। हाँ। ये वाली, और ये भी याद है मुझे कि दुबई के एक शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट की है। हाँ। मैं बाहर खड़ा हुआ था, निजा की किसी शॉप में शॉपिंग कर रही थी, तो मैं बाहर तस्वीर खींच रहा था, मोबाइल से खींची हुई तस्वीर। क्या बात, ये तो तस्वीर है बालाज की पहली बर्थडे की, मिनियंस की, तो उसको होश नहीं था। हाँ। ये मेरा बड़ा वाला बेटा फरीद। हाँ। दूसरी तस्वीर पे। वाओ, माशाल्लाह। और ये फ्रेम ये देखा होगा आपने, बड़ा जो फ्रेम है यहाँ, इसको तस्वीर को बालाज हमेशा देख के कहता है कि मैं कहूँ इसमें। हाँ। ये हमने फोटोशूट किया था नादानिया का, रिजवानुल हक ने एक फोटोशूट रखा था, तो मगर जब नादानिया का हो ही रहा है फोटोशूट, तो चलो फरीद सलाह को बुला लो, हम चारों का भी कर लेते हैं। क्या बात। तो हमने एक टिकट में दो मजे लिए थे। अच्छा, वैसे नादानिया आजकल भी एयर हो रहा है, मैं टीवी पे देख रही हूँ, किसी चैनल पर चल रहा है, और पता नहीं सहरी के टाइम है किस वक्त मैं देख रही थी, रहा होता है। वो एक वो वाला एपिसोड चल रहा था जिसमें जिनी होता है। अच्छा, और जिनी होती है, जिनी होती है। हाजरा नहीं किया था। हाजरा, यस यस, वो वाला देख रही थी मैं। तो बड़ा उसमें तो जो कैरेक्टर्स थे वो इस तरह से थे ना, कि निदा बड़ी गुस्से वाली होती थी और दानिश जो है वो बड़े कैरेक्टर थे सारे, मजाहिया। और आप दिल फेंक? मैं दिल फेंक नहीं, मैं तो बड़ा सीधा साधा दिखाया उसमें, दानिश शरारती दिखाया, थोड़ा दिल फेंक भी दिखाया, असली असली दिखाया, थोड़ी बहुत कुछ हो जाता है, क्या पता नहीं क्या। फुल फिजा लड़ाई के मूड में है, और ये मैं निदा को नहीं, आज मुझे यहाँ से भाई मिल गए हैं, इसलिए बात हो रही है बड़े सुकून से। और क्या, ये कब की तस्वीर? ये थाईलैंड की है, कब की मुझे नहीं पता। हाँ। मुझे ये याद है कि ये हम हाथी में बैठे थे, इसमें मजे के सीन हुआ था कि हम एक जगह बैठे थे, एलिफेंट शो हो रहा था। हाँ। एक एलिफेंट शो में हाथी ने आके फुटबॉल से गोल करना था और सामने किसी को रोकना था। हाँ। तो जब बंदे ने पूछा कौन आएगा गोल रोकने के लिए, तो फरीद मेरे बेटे ने हाथ उठाया। हाँ। तो उसको नहीं बुलाया, किसी और बच्चे को बुला लिया। ओके। तो फरीद नहीं जा सका, कोई और बच्चा गया, उसने उस बंदे के साथ मिलकर गोल रोका। हाँ। अब सेकंड टाइम हुआ कि एलिफेंट मसाज। हाँ। कौन करवाएगा। हाँ। मैंने ऐसे हाथ उठा लिया। मैं हाथ उठाया तो मैं घूम के देखा, तो मैं अकेला ही बंदा हूँ जिसने हाथ उठाया हुआ है। अब मुझे बुला लिया आ जाए। हाँ। और मुझे पता नहीं क्या, मुझे लेटा दिया नीचे मैट्रेस बिछा के। हाँ। हाथी आया, मैं देखा, मैं हैरान, हाथी आया, हाथी ने मेरे कमर पे पाँव रखा आके ठक 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 मसाज किया आके। हाँ। मेरे हाथ पाँव कांप रहे, मैंने क्या किया बट वाओ, क्या बात है। हाथी ने मेरी मसाज किया, वो बहुत अच्छी विषय कहीं होगी। अच्छा, आप लोगों ने अभी रिसेंटली जो है कुछ ट्रिप्स अकेले भी किया आपने और निदा ने? हाँ, बच्चे। हाँ, तो मुझे बताएं कि अब इस स्टेज ऑफ टाइम में किसमें ज्यादा मजा आता है, बच्चों के साथ ट्रिप में या फिर अकेले, दोनों? देखिए, बच्चों को बिल्कुल ही अकेले नहीं, नहीं बिल्कुल अकेले मैं बहुत कम गया हूँ, बहुत कम गया हूँ, लेकिन बच्चों के साथ ये होता है कि बच्चों से भगा जाते हैं, तो सात दिन तो मजे के गुजरते हैं। हाँ। फिर हमारी आहिस्ता आहिस्ता लड़ाई होना शुरू होती है, फिर बोरियत तो नहीं, लड़ाई होना शुरू होती है,
तो बच्चे मुझे भी याद आ रहे होते हैं, बच्चे निदा को भी याद आ रहे होते हैं। तो 8 दिन के बाद फिर हम थोड़ा सा मूड चेंज होता है हमारा, फिर 9-10 दिन फिर ठीक हो जाते हैं, फिर लड़ाई। तो वो बच्चों के साथ वैसे ज्यादा मजा आता है। चलिए निदा के साथ भी पूछेंगे, निदा से भी पूछेंगे कि क्या प्रेफर करती हैं वो बच्चों के साथ या अकेले। हाँ जी, ये तो शादी की तस्वीर, ये शादी, ये वलीमे की। हाँ, ये वलीमे की है। जब मैं नौजवान था, जवान था, अभी दुकान बंद हो गई थी या बंद होने वाली थी? नहीं, अभी बंद हो गई थी शायद। नहीं, हाँ हो गई थी, हो गई। ओके भाई, आप लोगों ने, पता नहीं आप लोगों को पता है या नहीं पता, लेकिन जब निदा और यासिर भाई का रिश्ता हो रहा था, बुतीक है यार, दुकान क्या हो रहा था? मैंने कहा दुकान थोड़ी खुली, कोई बुतीक। ओके, जमजमा पे बुतीक होती थी जहाँ 6-8 महीने के लिए खुली। कपड़े वपड़े भी चोरी हो गए थे? कपड़े चोरी हो गए। मैं नहीं, मैं, मुझे कारोबार करना नहीं आता भाई। अगर आप शादी करना चाहें और लड़की का बाप आपको बोले कि कोई काम धंधा शुरू करो, ना भी चले तो फिकर मत करिएगा। नहीं, मैंने सब बता दो। नहीं, मैं एक दिन शूट के बीच ब्रेक आया, मैं चलो शॉप पे चक्कर लगा गया, तुम क्या है? अब मैं अंदर गया, एसी चल रहा है और अंदर कोई नहीं है। अब शीशे की दुकान थी, शटर खुला हुआ था। अब मैं खोल रहा हूँ, पड़ोस के बंदे बता रहे हैं अभी तो था यहाँ पर। काफी देर में देखता रहा तो पीछे काउंटर के पीछे एक बंदे का पाँव हिलने के उन्हें नजर आया। तो भाई साहब अंदर लॉक करके एसी खोल के दोपहर में सो रहे थे वो। मैं हो गया काम मेरा। तो मैंने कहा तभी निदा के अब्बा को पता चल गया होगा कि भाई ये सुकून करने वाली कौम के पास भेज रहे हैं अपनी बेटी। हाँ, मैं फिर 4-6 महीने बाद मैंने बंद कर दी वो बंद कर दी। ये भी शीशा दुबई की वजह से, ये भी सही निदा बताएगी। हाँ। ये मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ की, मुझे लगता है दुबई की है। लग तो है। आप इसमें खूबसूरती जो इस बात तस्वीर की जो है कि मैंने अपने मोटापा कैसे छुपाया, देखें निदा को बच्चों को आगे रख के। बड़ा खानदान होने का यही फायदा होता है। इतना बड़ा खानदान भी नहीं है, फायदा 3 बच्चे हैं यार, बस काफी है। यानी माशाल्लाह। माशाल्लाह। और ये मजे की तस्वीर, ये इटली की है। हाँ। तो मैं इस वक्त ठीक ठाक मोटा ही था, तो अभी थोड़ा बहुत कम हुआ। तो मैंने वहाँ इटली में चीज देखी कि इटली में ये बड़े बड़े पेट निकले हुए हैं, मोटे मोटे, लेकिन फैशन पूरा चल रहा है सबका। हाँ। मैंने कहा यार ये इतने मोटे, इनको फैशन देखो इनका। तो मुझे वहाँ शौक उठा, मैंने इंस्पिरेशन मिली, मैंने स्कार्फ लिया, शर्ट ली, टक इन करके मैं स्पेशल तैयार होके। टॉल टॉल भी बहुत होते हैं, तो और बड़े लगते हैं टॉल। हाँ, लेकिन मोटे, लेकिन वो फैशन नहीं छोड़ते अपना। हाँ। वो कहते हैं मोटे हैं तो ठीक है, क्या हो गया। अच्छा, ईद पे क्या फैशन होता है? ईद हमारे सराग में बच्चे छोटे थे तो हमने खास शॉपिंग करने जाते थे। हाँ। लेकिन अब बड़े होने के बाद तो शरार मिस होती है, तो घर आते हैं तो वो शलवार होती है, ऊपर टी शर्ट पहन लेते हैं। हाँ। जब मेहमान आना शुरू होते हैं तो हम फौरन टी शर्ट उतार के शर्ट कुर्ता पहन लेते हैं। और ये है मेरी वाइफ निदा। अस्सलाम वालेकुम। क्या बन रहा है निदा, कहाँ तक पहुँचा? निदा यहाँ से मिलते हैं इस तरफ से। चले आ जा। बड़ा प्यारा घर है आपका माशाल्लाह से। और अभी हम तस्वीरों पे तस्करा कर रहे थे और वहाँ से चलते चलते हम आपके पास आ गए। अब आप थोड़ी देर निदा से बात करें, मुझे एक कॉल करनी थी। जरूर तो मैं कॉल कर लूंगा, तो आप निदा से बात करें। वैसे जब दो औरतें मिल जाती तो थोड़ी देर के लिए साइड पे होना बेहतर होता है। फिजा आज लड़ाई कराने की मूड में आई है, इसे बाहर दरवाजे पे ही दो लाइनें ऐसी बोली। मेरी पार्टी है, ये ज़हन में रखो। पहले बोल के क्यों देखा आपने? मेरी पार्टी है। तो आज ईद का दिन खराब ना करना, ऐसा ना हो कि हम 2 दिन उधर मुंह करके मैं बैठा हुआ हूँ तुम उधर बैठे। अच्छा, आपको ये पता है कि जो इनसिक्योर लोग होते हैं वो पहले ही अपनी सफाई दे देते हैं। तो आप लोग बात करें। बिल्कुल, बातों पर ज्यादा ध्यान ना देना। क्या पक रहा है, क्या तैयारी हो रही है? पक रहा है। एक आध पका चुकी हूँ, फिर एक और चढ़ा दिया है ताकि लाइक मेहमान आए। मेहमान क्या आना, लाइक इस ईद पे तो खाली इमीडिएट फैमिली या मेरी बहन या यासिर के बहन भाई वो लोग ही आएंगे, करीबी लोग। वैसे तो आते हैं यासिर के दोस्त वगैरह, मगर इस ईद पे थोड़ा सा डिफरेंट। तुम्हें ईद पे मीठा सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मुझे शीरकुर्मा बहुत पसंद है, बादाम वगैरह सब डाल के। मुझे आई जस्ट लव इट। अच्छा, लेकिन शीरकुर्मा जब पहली दफा बनाया था, शादी के बाद बनाया था या घर में अपने? मैंने शादी के बाद जब पहली दफा मुझे कहा गया कि चलो जी शीरकुर्मा बनाओ या मीठा कुछ बनाओ, तो मैंने ना सोचा कि मेरी मम्मी एक सेवैया बनाती है कि सेवैयों को आप फ्राई करते हैं, बादाम फ्राई करते हैं चीनी में। हाँ। तो मैं जैसे किचन में गई, मुझे कुछ पकाना शकाना नहीं आता था, बहुत पहले की बात है जब मेरी शादी हुई थी। हाँ। कुछ भी नहीं, बिल्कुल फुहड़ थी। तो मैंने जैसे प्लास्टिक खोला है ना उसका सवैयों का। हाँ। वो पूरे किचन में बिखर गया। ओहो। और वहीं से मेरी सास आ गई और पहला इंप्रेशन ही गलत पड़ गया, कहेंगे अरे रहने दो छोड़ दो, मैं बनाऊंगी तुम हाथ हिला लेना। तो वो चक्कर तो ये हुआ। कितना रह गया भाई ये तुम लोगों के लिए? तो मैंने तैयार करके रख लिया है। हमारा वाला सेकंड तैयार है। ये वाला जो है सेकंड उसके लिए है। सही है, बस डन। हाँ।
भाई, मैं और आप सब लोग जो है वो खाएंगे निदा यासिर के हाथ का बना हुआ शीर कुरमा। अभी इसमें बादाम पिस्ते जो है वो उसकी कटिंग हो रही है। वैसे हम लोग रात को कट करके रख लेते हैं, लेकिन आज जरा थोड़ा हम लेट हो गए, अभी कटिंग हो रही है। अच्छा, तो किस किस ने आना होता है ईद वाले दिन? वैसे बैठे हैं उधर? जरूर जरूर। अच्छा, ईद के दिन हमारे रेगुलरली जो ईद होती है उसमें रूटीन ये बना होता है कि सुबह सुबह नमाज पढ़ने के लिए जो है वो सब भाई इकट्ठे होते हैं। अच्छा। और इकट्ठा होके वो नमाज पढ़ने के लिए कहीं जाते हैं। आइडियल तो हमारे कॉलोनी की मस्जिद है, वहाँ सब आके जमा होके नमाज पढ़ते हैं, लेकिन अक्सर होता है कि दूसरे भाई सोते रह जाते हैं, फिर वो ढूंढते फिरते हैं। अक्सर ये होता है कि सबसे देर नमाज जो है वो कौन सी हो रही है, ये एक सुबह का क्योस होता है। फिर नेक्स्ट जो है, जब मेरी सास जिंदा थी तो सब आते थे, उनको सलाम दुआ करके फिर चले जाते थे, और फिर अपनी फैमिलीज के साथ उनका लंच हमारे पास होता था। अच्छा। तो हमारी ड्राइंग रूम में पूरी एक टेबल है जो सजती थी। मुझे बहुत शौक है टेबल सजाने का, क्रॉकरी, मैट्स, ये वो। मैं स्पेशली ईद होती है तो उसके लिए एक अलग ही पूरी चीज़ें आती हैं, वो मुझे बहुत शौक है। बड़ी वाली बहू जो होती है भाभी, उसको ईदी भी सबको देनी पड़ती है। मैं और यासिर मिला कर देते हैं ना, हम लोग कुछ इस तरह करते हैं कि यासिर ईदी देता है, मुझे देता है, और मैं कोई अच्छी सी गुडी बैग सॉर्ट ऑफ कुछ बना के पैक कर देती हूँ। टाइम कब मिलता है तुम इन सारी चीज़ों का? यार मुझे बहुत मजा आता है ये चीज़ें करने में, तो उसके लिए मुझे टाइम निकालना पड़ता है। सही बात है। डाइटिंग वगैरह अभी तुमने कराई है क्या यासिर भाई को? यासिर ने खुद ही की, उसको खुद इतना शौक हो गया हेल्दी खाने का, बल्कि अगर मैं भी चॉकलेट्स खा रही होती, उसको पता नहीं खुद तो मतलब कम खा रहा है, मुझे टोकना शुरू कर दिया। तो अभी इस पे कोई तब्दीली लाने का उन्होंने बोला है कि भाई ये नहीं मतलब ईद के बाद हमने फिल्म वगैरह की शूट करनी है, और वो एक्टिंग भी कर रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि अब मैं मोटा रहा हूँ, तो इसलिए वो बहुत उसने वो कॉन्शियस रहा है। क्या बात। रोजों में भी उसने काफी अच्छी तरह हेल्दी खाना खाया भाई। ये बात, घर तुम्हारा वैसे वाइट थीम है बहुत ज्यादा, किसकी पसंद की है ये? सारा यासिर ने डिजाइन किया है ये। आओ ज़िवा, जाओ। हेलो ज़िवा। उसको प्यार करने का दिल चाह रहा है, लेकिन हम नहीं कर सकते, क्या करें। मैंने पहले बोला कि भाई आज ईद का शो है, आ जाओ। अरे अस्सलाम वालेकुम। ये सारे बच्चे आ गए। शूज कहाँ है आपके? क्या हुआ, क्या देख रहे हो? भाग जाओ, शूज पहन के आओ, दोनों शूज पहन के आ जाओ। ओके, खेल लो आप। ईद मुबारक। ईद मुबारक। दादा आंटी को बोलो ईद मुबारक। हम लोग हाथ नहीं मिला सकते, बस ईद मुबारक। ओके ओके, ये तो चलता रहता है भाई, जब ईद होती है और घर पर होती है। मोबाइल ले लो आप, बच्चे कहीं ना कहीं से आके जो आपको स्पॉट कर ही लेते हैं। चलो मैं डैडी को बुला, आप जाके डैडी को बुला के लाओ, ऊपर जाओ। अच्छा नहीं, डैडी को बुला के लाओ पहले। यासिर, आ जाओ ना फिर। नहीं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने कोई झगड़े वाली बात नहीं की, कुछ भी तो कैसी शक्ल बनी हुई होती है जब हालात ठीक नहीं होते, थोड़ी बना के दिखाएंगे? ये बड़ा आज स्पॉन्टेनियस शो चल रहा है, बच्चे कहीं से भी बच्चे निकल के आ गए बीच में। हाँ, तो निदा मुझे बता रही थी कि सब लोग जो है वो हमेशा से आपके ही घर आते रहे हैं, क्योंकि जाहिर है पहले अम्मी होती थी, अब आप बड़े भाई हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि इस ईद पे कैसा महसूस कर रहे हैं कि अम्मी के बगैर ही? वो असल में अम्मी होती थी ना, तो वो उनको होता था कि अफ्तारी में चीज़ें होनी चाहिए, वो तो सजी हुई होती थी एक टेबल जब बहुत, अब वो नहीं है तो वो समझो मज़ा ही नहीं है। तो हम लोग सिर्फ खाना बनाते हैं, शरबत बनाते हैं, सीधा सीधा वो करते हैं अफ्तारी। क्या होता था ईद वाले दिन? अम्मी के पास जाना होता था, सलाम दुआ होती थी। पहले मुझे तो हमेशा रूटीन था कि नमाज पढ़ी, कब्रिस्तान गए, अबू कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ी, सीधा अम्मी मेरी जाग जाती थी सुबह जल्दी, तो फौरन अम्मी उठी होती, अम्मी से ईद मिलना, फिर अम्मी कहती अभी नहीं, पहले मैं तैयार हो जाऊँ फिर मिलो आगे। हमें हर साल ही होता था कि तैयार हो जाऊँ फिर मिलना ईद से आगे, तो बच्चे बच्चे ईद मिलते थे अम्मी से आगे। तो ये था, फिर ऊपर जाके निदा से मिलना ईद, तो वो असल ईद होती थी इनके खवातीन के तैयार होने के बाद, जो कि एक डेढ़ बजे आके तैयारी खत्म होती थी इनकी। हाँ जी, हम लोग पहले बहुत अजीब होता था कि सुबह सुबह हम तैयार हो जाते थे, निदा तैयार होते थे, फिर निदा आगे अम्मी का मेकअप करती थी, अक्सर अम्मी मेकअप करती थी, और अनिला भाभी भी करती थी, कभी मैं करती थी, कभी दानिश की वाइफ करती थी मेकअप। अच्छा, कुछ सवाल है जो रैपिड फायर क्वेश्चन है, जो की हर शो में जरूर होते हैं, और निदा भी बड़े खूब सवाल करती है, तो मैंने कहा आज जरा कुछ सवाल आपसे कर लें। पहला सवाल आपसे करूंगी, यासिर एंड निदा की न्यू फिल्म की ड्रीम कास्ट है, तो इनमें से क्या होगी? हीरो, हीरो में आप किसको लेंगे, हुमायूं सईद, अली जफर या फवाद खान? फवाद खान, मुझे पता था।
फवाद खान हीरोइन, महविश हयात, माहिरा खान, माया अली, माहिरा खान, अब यासिर से पूछ ले, मैं माहिरा खान। विलेन, शफकत चीमा, नैयर एजाज, जावेद शेख, जावेद शेख, अरे वाह क्या बात है भाई, कंपैटिबिलिटी तो माशाल्लाह। शेख साहब के साथ काम करने मजा आता है, मैंने तीन फिल्में की, तीनों फिल्मों में शेख साहब थे। हाँ। और चौथी फिल्म जो भी शूट पे जाऊंगा उसमें भी शेख साहब है। क्या बात है। सिंगर कौन होगा आपके फिल्म के गानों का, साहिर अली बग्गा, आतिफ असलम या सजाद अली? दोनों हो सकते हैं, आतिफ असलम भी और सजाद अली। सजाद अली। ओके, नए आने वालों में से कौन है जो सबसे जानदार एक्टर है आपके हिसाब से? बॉयज में बिलाल अब्बास, नुमान अंसारी या वहाज? बिलाल अब्बास। बिलाल अच्छा है, वहाज भी अच्छा है। अभी मैंने सीरियल मेरा भी आना है ईद के बाद यारोए पे, बिखरे मोती, तो उसमें है वहाज मेरे साथ। ओके, तो वैसे वहाज भी अच्छा एक्टर है, लेकिन बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास। ओके, लड़कियों में अलीज़े शाह, हाजरा यामीन, अजीका डैनियल? यार हाजरा यामीन बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। ओके, इनमें कौन यासिर के साथ हीरोइन सूट करेंगे, नीलम मुनीर, सना फखर या आयजा खान? पहले आप बताइएगा। अच्छा, नीलम ने यासिर के साथ काफ़ी काम किया हुआ है और सना भी आई है। हाँ। लेकिन मैं चाहती हूँ आपके आयजा के साथ भी यासिर काम। आयजा के साथ मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है कि मैं अभी जो सीरियल्स आप देख दो किए तो सब छोटी लड़कियों के साथ किए हैं। हाँ। जो जो 22 साल 25 साल। अब आप कहेंगे कि लड़ाई करवा रही है, बोलना भी शुरू कर दिया यार ये तो, इसको हमेशा छोटी हीरोइन की लड़कियां, जो छोटी ऐसी हीरोइन मिलती हैं भाई। हमने जो है वो अक्सर फिल्मों में ड्रामों में ये डायलॉग सुना है कि देखो जब मियां अपना ख्याल कुछ ज्यादा रखना शुरू कर दे तो उस पे नजर रखनी चाहिए, ऐसा है क्या? जब जब ख्याल नहीं रखता था तब भी नजर रखती थी। पहले भी रखती थी, मैं अब भी रखती हूँ। जब मोटा था तो यासिर खुद कहता था, नहीं था मैं, मतलब देखो ना क्या है, तुम मुझ पर क्यों शक करती हो? मैंने कहा मैं तो करती रहूंगी। कभी आपको जेलसी हुई यासिर? वो तो कह रही है मैं शक करती हूँ। कभी जेलसी हुई नदा किसी सेट पर है या नदा कहीं ट्रैवल कर रही है, कभी फील किया या किसी एक्टर के साथ? या जेलसी कभी नहीं, कभी भी नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हुई। मुझे नदा पर ट्रस्ट है। क्या बात है, सॉरी लेकिन मुझे नहीं है। देखो जरा नदा कोई किस्सा बताओ कभी, अगर बस बहुत ही बेचैन हो गई हो कि कहाँ गया यासिर, कहाँ चला गया, फोन नहीं उठा रहे। शूट पे मैं कहीं बैठा हूँ, अचानक खामोशी से नदा आती थी और कहती सरप्राइज, मुझे कॉल आ रही थी, मैं अगर फोन सीन में हूँ, साइलेंट पर है या मोबाइल कहीं चार्ज पे लगा हुआ है, नहीं उठा पा रहा हूँ, तो सब मेरी निदा के पास सबके नंबर होते थे। पर मैंने सुना आप नहीं आती हैं आप सेट पे? नहीं आप नहीं जाती सेट पे, लेकिन क्या पता कभी चली जाऊँ। नहीं जाती क्यों, अभी इसके मेरा दिल मेरा दुश्मन की सेट पे। मैं केक लेकर गई थी और मैंने यासिर को बताया था कि मैं आ रही हूँ, वो शेर आया वाला हो गया ना, सारी जिंदगी सरप्राइज देते देते असली सरप्राइज की बारी आई तो हमें, लेकिन वो था असली सरप्राइज है ना। ओके, हु विल बी योर फेवरेट? बड़ा टफ होगा, नदीम साहब, वहीद मुराद या मोहम्मद अली? यार मेरे वहीद मुराद जो है ना ऑल टाइम फेवरेट था। आई डोंट नो, जब मैं टीनेजर थी तब भी मैं उनकी तस्वीरें अपने रूम में लगाती थी बाकायदा, मतलब वो पाकिस्तानी हीरो थे लेकिन वो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगते थे, चॉकलेटी हीरो। यासिर आपके फेवरेट? तीनों ही लेजेंड, तीनों बड़ा नाम है, मोहम्मद अली साहब, वहीद मुराद साहब और नदीम बेग साहब, तो तीनों ही बड़ा नाम है। हाँ। लेकिन मुझे पर्सनली मुझे नदीम बेग साहब पसंद है। ओके। शुरू से लेकर अब तक। चलो, यू आर अ रेलेवेंट पर्सन टू आस्क, आजकल जो कॉमेडी एक्टर्स हैं उनमें से कौन आपके फेवरेट है? जो दानिश मुझे हमेशा पसंद है, दानिश नवाज, नाम तो सुना होगा। जी जी, नाम तो सुना होगा। थोड़े दिन पहले मैं यासिर दानिश यासिर कंफ्यूज हो गई, बहुत से लोग अरे दानिश भाई कैसे, दानिश जी यासिर, हाँ यासिर, बल्कि मजा आया था। मैं हम गए थे 23 मार्च को, पिछले साल की बात है, तो बाजवा साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो हम सब मिलने गए, तो उनसे हमारी नीचे मुलाकात कराई, मेरे साथ थे हम लोग, तो मुझे उन्होंने देखा, अरे दानिश कैसे हो भाई, सब खैर है? मैं सर मैं दानिश नहीं, मैं यासिर हूँ। हाँ तुम तो यासिर हो, दानिश तुम्हारा भाई है, उसको भी ले आते यार, नादानिया बड़ा जबरदस्त ड्रामा ये। मुझे हैरत हुई, मैं बाजवा साहब माशाल्लाह है, बड़ी बात है। नादानिया अभी भी ऑन एयर हुआ है और मैं भी देख रही हूँ और बड़े मजे का ड्रामा है। दानिश को अक्सर यासिर या दानिश को अक्सर यासिर, यासिर को अक्सर दानिश कहा जाता है। चलो, दानिश के अलावा कॉमेडियन कोई? मुझे ये अहमद हसन अच्छा, अहमद अली भट्ट, अहमद हसन, अच्छा अहमद हसन मुझे पसंद है, अहमद हसन बहुत अच्छा कॉमेडी है। ओके, ऑलराइट, कॉमेडी वो एक्टर है, कॉमेडी अच्छी करता है। अच्छा, आप लोग भाइयों में हमेशा मैंने देखा है कि यू टॉक हाईली अबाउट ईच अदर ना, किसी भी शो में चले जाएं कहीं भी, तो ये भाइयों में एका हमेशा से ही है?
अच्छा हमें नहीं लगता करते ज्यादा बात करते हैं करते हैं अभी जैसे आपने बोला मेरे फेवरेट कॉमेडियन दानिश कॉमेडी टाइमिंग प्राइड इन ईच अदर नहीं दानिश की कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी मैंने क्या लड़ाई हूं कहां नाराज हो गई आपकी बेटी अच्छा बच्चों का यही चलता रहता है अच्छा अरे क्या तुम्हें हिचकी क्यों आ रही है दानिश याद किया बड़ी उम्र हमारे साथ ईद मुबारक ईद मुबारक भाई जान ईद मुबारक ईद मुबारक भाभी ईद मुबारक ईद मुबारक कैसे आप मैं बिल्कुल ठीक ठाक आप कैसे हैं मैं फुल सोशल डिस्टेंसिंग पे हूँ अपने चेस्ट को पेट से दूर रखा हुआ बड़ा मजे का सेगमेंट चल रहा है रैपिड फायर राउंड चल रहा है बिल्कुल सही टाइम पर आए अभी शुरू कर देती हूँ आप तीनों साथ साथ जवाब मेरी तारीफ हो रही थी मैंने पूरी नहीं सुनी यार नहीं वो आप सामने नहीं करते हैं अच्छा। पीछे पीछे करते हैं वो अलग बात है कि टीवी पे पूरी दुनिया देख सकती है बार बार रिपीट से क्या करें वो बजर दबानी है नहीं नहीं ओके आपने चूज करना है चूज जवाब कर लिया ये वो या ये ऐसा कुछ क्या छुपाने सोशल ईद का रंग ला रहा हूँ ईद का रंग अरे प्रमोट कर रहे ना सोशल डिस्टेंसिंग प्रमोट कर रहे हैं भाई हाँ ऑलराइट बचपन या जवानी क्या चूज करेंगे आप जवानी दीवानी मैं तो बचपन अच्छा बचपन बात होती है बहुत ही बकवास होता है भाभी बचपन स्कूल जाना पड़ता है दोबारा फिर से सुबह 7 बजे उठ के कौन स्कूल जाए यार तो गर्म पानी से नहाना जो है वो का है अभी आप कह भी रहे थे ना ये कितनी मजे की बात आप कह रहे थे ना एक ही चाय पापा खा खा के पागल हो गया था नहीं आप कह रहे थे ना वो कह रहे हैं कोरोना में जितनी दुकानें बंद है लोग एहतजाज कर रहे हैं प्लीज शॉप खोलें शॉप खोलें फैक्ट्रियां बंद है लोग एहतजाज कर रहे हैं एक भी स्टूडेंट ने नहीं कहा स्कूल खोलो स्टूडेंट ने नहीं कहा ना किसी टीचर ने कहा इतने रिस्पांसिबल स्टूडेंट ओके अरेंज मैरिज या लव मैरिज एक खामोशी क्योंकि दोनों का आखिर में अंजाम वही है आपकी भी लव मैरिज हुई भी है अस्तगफुरुल्लाह फिर शदीद लव मैरिज ओके चलो फिर ये सवाल छोड़ देते हैं ओके वेब सीरीज या फिल्म 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 ओके फेसबुक या इंस्टाग्राम अब तो इंस्टाग्राम दोनों ही नहीं मेरे ख्याल से किताब बुक्स पढ़नी चाहिए आप पढ़ते हैं बुक्स अर्तगुल की मैं कहता हूँ पाकिस्तान में बनना चाहिए अर्तगुल चांडियो बहुत हिट होगा कुछ लोग ऐसा बोल रहे हैं कि पाकिस्तान में बाहर का कंटेंट नहीं चलना चाहिए उससे हमारी इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही है कुछ लोग बोल रहे हैं कि बाहर का कंटेंट आएगा तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट को नौकरी मिलेगी पैसे मिलेंगे उससे बनाई हुई इनकम पे हम अपने ड्रामे बना सकते हैं आप लोग ही क्या राय है इसी तरह गवर्नमेंट हमारे ड्रामे भी बाहर के चैनल्स में चलाए कुछ इस तरह कुछ रूल्स बनाए जाए कुछ टीम बनाई जाए सरकारी तौर पर जो अच्छे ड्रामे हमारे हैं वो टर्की जबान में या वो अंग्रेजी जबान में या अरबी जबान में वो चले और गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करे ऑल राइट ओके सवैया या शीर खुरमा शीर खुरमा मुझे दोनों ही नहीं पसंद सच बताऊं तो शीर खुरमा मुझे वो मिल जाए मैं खा जाता हूँ स्वात या स्विट्जरलैंड Oh my God, I love Switzerland, but budget is not okay. All right. Nida, yeah, Swat bhi bahut pyara hai. और स्विट्जरलैंड ऑब्वियसली ज़्यादा स्विट्जरलैंड में होटल्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और लेकिन सवाद भी कम नहीं है व्हाट इज योर फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड आपकी पूरा यूरोप पसंद है मुझे तो ऐसे तो अनिदा अब जो है एट दिस स्टेज ऑफ टाइम क्या प्रेफर करोगी वेकेशन विद बच्चे या वेकेशन विदाउट बच्चे अच्छा बच्चों के साथ अलग मजा है वेकेशन हाँ. का और यासिर के साथ अलग मजा है हाँ. यासिर को बच्चों के साथ इसलिए मजा आता है क्योंकि अब तो थोड़े बच्चे थोड़े से बड़े हो रहे हैं लेकिन हाँ. जब हम बच्चों के साथ जाते हैं तो यासिर के काम और बच्चों के काम भी मुझे करने पड़ते हैं तो मेरी वेकेशन आपका भी ऐसे ही होता होगा फोन तो एक ही है ना हम बाहर जाके ना हमें मजा आता है होटल में रहे बाहर बाहर निकलती है मैं भी और मेरे बच्चे भी मोबाइल दे दो टीवी दे दो हमें होटल में ज्यादा मजा आता है होटल में बैठे गुस्सा आता है होटल के एसी की बात ही कुछ फैमिली गैदरिंग या फ्रेंड्स गैदरिंग आपके पास बहुत सारा पैसा हो और बच्चे ना हो बच्चे या फिर पैसे ना हो मगर 4 बच्चे हो क्या सिचुएशन आइडियल है भाई पैसे ना हो बच्चे हो जो है हमारे वही पैसे ना हो और कह रही है ज्यादा पैसे चाहिए कि ज्यादा बच्चे चाहिए ज्यादा पैसे आएंगे बच्चे कर लेंगे गजल या पॉप म्यूजिक पॉप म्यूजिक मूड पे डिपेंड मूड पे डिपेंड करता है पॉप म्यूजिक ज्यादा मजा गजल हो तो भाई गजल हाँ मैंने सुना आप गाते भी बहुत अच्छा है लेकिन
अब बगैर आवाज के। मैं कहने वाली थी लेकिन दिल में बगैर आवाज बगैर आवाज मिल रही है बात।